ठाकुर, आप सभी का अपनी कक्षा में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम सब यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में हिंदी विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य के सौंदर्य तत्व अलंकार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मनुष्य स्वभाव से सौंदर्य प्रेमी है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को, स्वयं को सुसज्जित व सुंदर देखना चाहता है। अतः मनुष्य जिस प्रकार स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों अथवा आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार रचनाकार अपनी काव्य रचना को सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। शब्द और अर्थ दोनों की शोभा बढ़ाने वाले अलंकारों का काव्य में वही स्थान है जो मानव शरीर में आभूषणों का होता है। तो बच्चों, हम अब अलंकार के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु हैं अलंकार परिचय, महत्व और फिर अलंकार के भेद। तो सबसे पहले हमें अलंकार जानना है, अलंकार क्या होता है। अलंकार जानने के लिए हमें साहित्यकारों द्वारा रचित परिभाषाओं को देखना होगा। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृतिर्लंकार अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार अथवा आभूषण है। भाषा, जो भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अर्थात जब हम भाषा में प्रयुक्त शब्द और अर्थ का प्रयोग करते हैं तो उनको सुंदर बनाने के लिए उनका जो प्रयोग है वो इस प्रकार से करें कि वह काव्य में सौंदर्य बढ़ा दें, उसी को ही अलंकार कहते हैं। किसी भी चीज को जानने से पहले, किसी भी तथ्य को समझने से पहले उसका महत्व जानना बहुत जरूरी है। तो अलंकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं। भाव को स्पष्ट करने तथा दृश्य को प्रत्यक्ष कराने में अलंकारों की महती भूमिका है। अलंकार केवल वाणी की सजावट ही नहीं है अपितु बोध कराने में सहायक उपादान है। अलंकारों के प्रयोग से बच्चों केवल शब्द और अर्थ में सुंदरता ही नहीं आती बल्कि उसमें भावों को समझाने की भी शक्ति आ जाती है। अतः अलंकारों के बारे में हम आगे जानते हैं। अलंकारों के भेद, अलंकारों के दो भेद माने जाते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार में तीन अलंकार सम्मिलित हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान और संधि। अब आते हैं शब्दालंकार को के विषय। शब्द अलंकार का अर्थ है जहां किसी विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य रचना में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इसी प्रकार अर्थालंकार जहां अर्थगत सौंदर्य या शोभा होती है वहां पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकारों में शब्दों के द्वारा और अर्थालंकारों में अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो हम सबसे पहले शब्दालंकारों के बारे में अध्ययन
करेंगे। शब्दालंकारों में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। परिभाषा देखते हैं, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है एक से अधिक बार आना। जब किसी भी रचना में वर्णों की बार बार वर्ण आते हैं तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसी परिभाषा को हम काव्यगत परिभाषा के रूप में भी समझ सकते हैं और यह जल्दी भी स्मरण हो आती है। अगर एक या एक से अधिक वर्ण बहुबार सज्जित रचना को करें जानो अनुप्रास अलंकार। बच्चों, जब किसी काव्य रचना में कोई वर्ण एक या एक से अधिक बार आता है और रचना को सुंदर बनाता है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसको हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इस काव्य पंक्ति में देखिए कि ता वर्ण की अनेकानेक बार आवृत्ति हुई है, एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है और इस प्रकार ता वर्ण की आवृत्ति इसमें सौंदर्य उत्पन्न करती है, शोभा बढ़ा रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, आपने अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण भी पहले पढ़े होंगे, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यह भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण माना जाता है। अब हम शब्दालंकार में ही दूसरे अलंकार को देखते हैं। दूसरा अलंकार है शब्द अलंकार के अंतर्गत यमक अलंकार। यमक, जब कोई शब्द या शब्दांश एकाधिक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है तब यमक अलंकार होता है। बच्चों, अभी तक आपने अनुप्रास में देखा था कि वर्णों की आवृत्ति थी, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति है। अर्थात जब कोई शब्द एक बार से अधिक बार प्रयोग किया गया है और प्रत्येक बार उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हों तब यमक अलंकार होता है। इसको हम काव्यगत परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि अगर एक या एक से अधिक शब्द बहुबार भिन्न भिन्न जो अर्थ दे तो यमकालंकार। कहते हैं कि किसी काव्य रचना में यदि कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तब वहां यमक अलंकार होता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। बच्चों, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहां पर बच्चों दो बार कनक शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। देखते हैं, यहां कनक शब्द दो बार आया है और दोनों का बार बार आने पर भी अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का है सोना, अतः यहां यमक अलंकार है। कहते हैं वा खाए बौराए जग, खाना है अर्थात धतूरे के अर्थ में, वा पाए बौराए और पाने के अर्थ में सोना। इस प्रकार कनक कनक दो बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है। इसी प्रकार से हम दूसरे उदाहरण द्वारा भी इसको जान सकते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यहां पर देखिए बच्चों,
घोर मंदर दो बार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ घोर मंदर के दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं। ऊंचे घोर मंदर के दो भिन्न भिन्न अर्थों को देखते हैं। पहला है मंदर का अर्थ है महल और दूसरा का अर्थ है कंदराएं, पर्वतों की कंदराएं। अर्थात मंदर शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा आपका शब्द अलंकार के अंतर्गत तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करे तब वहां श्लेष अलंकार होता है। अब जरा इसको यमक के साथ और श्लेष के को जरा एक साथ देखते हैं कि यमक में दो बार दो शब्द आया, ठीक। श्लेष में शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। इसकी काव्यगत परिभाषा को देखें। अगर एक ही शब्द जो आए एक ही बार, काव्य रचना में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो, केवल एक ही बार उसका प्रयोग हुआ हो, किंतु अनेकों अर्थ दे, लेकिन वह अनेक अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वहां तब वहां श्लेष अलंकार होगा। बच्चों श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द में दो अर्थ एक साथ निकल रहे हों तब वहां श्लेष अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण को हम स्पष्ट करेंगे। बच्चों ये देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा और हलदर के वीर ये शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है। इसको हम और स्पष्ट करते हैं कि इसके दो अर्थ कैसे हैं। यहाँ वृष भानुजा और हलदर ये दोनों शब्द श्लिष्ट हैं, जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। अब देखते हैं वृष भानुजा। वृष भानु जा माने पुत्री, तो वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा एक अर्थ ही निकला, और इसी वृष भानुजा का दूसरा अर्थ निकला वृषभ अनुजा अर्थात वृषभ की बहन अर्थात गाय। ठीक इसी प्रकार हलदर के वीर बलदेव के भाई अर्थात कृष्ण, और दूसरा अर्थ बैल का भाई अर्थात सांड। तो इस प्रकार वृष भानुजा और हलदर के वीर ये शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। चलिए हम दूसरे उदाहरण से और इसको स्पष्ट करते हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में तीसरी बार प्रयुक्त पानी शब्द श्लिष्ट है। ये जो पानी शब्द प्रयोग हुआ है ये श्लिष्ट है। यहाँ इसके तीन अर्थ हैं। मोती के पक्ष में देखते हैं तो क्या है, चमक। मनुष्य के अर्थ में देखते हैं तो प्रतिष्ठा, और यदि आटे के पक्ष में देखते हैं तो जल। इस प्रकार पानी शब्द एक ही है लेकिन उसके तीन अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम चलते हैं अर्थालंकारों की ओर। जहां पर अर्थगत सौंदर्य होता है वहां अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकारों के अंतर्गत सर्वप्रथम हम उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। परिभाषा, जहां रूप रंग गुण आदि किसी उभयनिष्ठ का अर्थ है कि उपमेय और उपमान दोनों में, धर्म के कारण किसी वस्तु की
किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। कहने का भाव है कि जब दो वस्तुओं की आपस में किसी गुण धर्म के सादृश्य के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के लिए चार अंग होना आवश्यक है। उपमा के चार अंग माने जाते हैं। ये चार अंग हैं, कहीं पर तो यह किसी किसी काव्य रचना में तो चारों अंगों का प्रयोग होता है और कभी कभी एक या दो लुप्त भी रह जाते हैं। इस प्रकार हमें उपमा अलंकार को का अध्ययन करने के लिए इसके अंगों का जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं उपमेय। बच्चों आपने उपमेय शब्द बहुत सुना होगा, जिसका वर्णन करना होता है उसे उपमेय कहते हैं। उदाहरण के द्वारा और देखिए स्पष्ट करते हैं कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है। इस वाक्य में किसका वर्णन किया जा रहा है? राधा के मुख का वर्णन किया गया है, यह उपमेय है। अतः जो राधा का मुख है वह उपमेय है, इसको हम प्रस्तुत और वर्णनीय भी कहते हैं। उपमेय को तीन संज्ञाएं भी जान सकते हैं, उपमेय, प्रस्तुत और वर्णनीय। दूसरा इसका अंग है वर्णनीय वस्तु की जिस वस्तु के साथ समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो राधा का मुख तो उपमेय हो गया, लेकिन उसके मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। इसलिए उपयुक्त उदाहरण में वर्णनीय मुख की समानता चंद्रमा के साथ दिखाई गई है, अतः चंद्रमा यहाँ पर उपमान है। तो राधा का मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। तीसरा इसका गुण अंग है समान धर्म। उपमेय और उपमान दोनों में रहने वाले जिस समान धर्म गुण के आधार पर समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, उपयुक्त उदाहरण में सुंदर जो है वो साधारण धर्म है। सुंदरता राधा के मुख में भी है और चंद्रमा में भी है, इसलिए यह इसका समान धर्म है। अगला अंग है समान वाचक पद। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता सूचित की जाती है उसे उपमेय उपमा का वाचक शब्द कहते हैं। जैसे समान, सम, सदृश, सौ, सम, तुल्य आदि। अब आपने ऊपर का उदाहरण देखते हैं, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ समान जो शब्द पद है वो क्या है? समान वाचक पद है। इसके द्वारा दोनों की तुलना की गई है। तो इस प्रकार से हमने उपमा अलंकार और उसके चारों अंगों का अध्ययन किया। अब हम उपमा ही अलंकार का एक दूसरा उदाहरण आपको और समझाते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। अब देखिए यहां पर उपमेय किसका वर्णन किया जा रहा है? कृष्ण का। किससे उसका वर्णन किया जा रहा है? समानता की जा रही है नीरद अर्थात बादल से। उन दोनों में कौन सा गुण, कौन सा धर्म समान है? वो है कांति का। और इस कांति को किस वाचक पद द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है? सी। तो ये सी जो शब्द है उसी से ही पता चल जाता है यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार बच्चों हमने उपमा अलंकार, उसके चारों अंग और उदाहरण और स्पष्टीकरण द्वारा अध्ययन किया। अब आगे हम चलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि रूपक का अर्थ होता है एकता। जब उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाए
तब रूपक अलंकार होता है। इसको और सरल शब्दों में समझें कि तात्पर्य यह है कि रूपक में उपमेय और उपमान दोनों की सत्ता होती है, किंतु समानता इतनी दिखाई जाती है कि दोनों एक दिखाई पड़ते हैं, उनमें भेद प्रतीत नहीं होता। उदाहरण में देखते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात उक्त काव्य पंक्ति में उपमेय चरण है और उपमान कमल है, लेकिन इसमें चरण पर कमल का आरोप कर दिया गया है, यानी कमल ही चरण है। इस प्रकार दोनों में अभिन्नता है और दोनों एक साथ हैं, इस अभेदता के कारण यहाँ उपरूपक अलंकार प्रयुक्त है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण से देखते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। बच्चों, इसमें रघुवर, मंच और संत और लोचन ये सब उपमेय है और उपमान है, बाल सूर्य, उदयगिरी, सरोज, भ्रंग, इनका आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का सौंदर्य दिख रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है कल्पना, जहां उपमेय और उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मनो, जनु, जानो वाचक शब्द हैं इसके, और इन वाचक शब्दों से उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचाना जा सकता है। उदाहरण देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मनि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि उपमेय कौन है, श्री कृष्ण का श्यामल शरीर, और उपमान है नीलमणि पर्वत। इसी प्रकार पीतांबर है उपमेय और उपमान है प्रातःकालीन धूप। इस प्रकार श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि का आरोप होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ श्री कृष्ण के श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत एवं पीतांबर में प्रभातकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसत मनो पिए दावानल की ज्वाल। गुंजन की माल उपमेय में, दावानल की ज्वाल उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ प्रेक्षा अलंकार है। अब आते हैं भ्रांतिमान अलंकार में। बच्चों, जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए और ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अवास्तविक वस्तु ही है, जबकि वास्तव में वह वस्तु होती नहीं, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी भ्रम तो आए लेकिन उसको वास्तविक मानकर ही कार्य भी कर लिया जाए, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। बिल विचार कर नाग सुन को घुसने लगा विषैला सांप, काली एक समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जानेंगे कि किस प्रकार इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ सांप को हाथी की शूंड में बिल का, यानी हाथी की शूंड में सांप को क्या लगा, बिल का, और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। इसी प्रकार मद भरे ये नलिन नयन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघुमीन है। यहाँ पर भी उपमेय नयन और उपमान मीन है, परंतु यह निश्चित नहीं हो पा रहा कि ये नयन है अथवा मीन, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अब अगला अलंकार है संदेह अलंकार, जहाँ ऐसा वर्णन हो कि उपमेय और उपमान दोनों में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि उपमेय वास्तव में उपमेय है या उपमान है, इसमें दुविधा बनी रहती है और निश्चित नहीं हो पाता। बच्चों, भ्रांतिमान में निश्चयात्मक हो जाता है लेकिन इसमें अनिश्चयात्मक रहता है। जैसे कि केंधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु,
कैंधो चली मेरुते कृषानुसरी भारी है। इसके स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कि लंका दहन के उपयुक्त वर्णन में हनुमान की पूंछ को देखकर यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि आकाश में अनेक कुछल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी सी निकल रही है। अतः यहाँ संधि अलंकार है। बच्चों, आपने अभी सभी अलंकारों की परिभाषा समझी और उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया। अब आपको मैं अभ्यास कार्य में कुछ पंक्तियां दे रही हूं जिनको आपको अलंकार का नाम और उसका लक्षण लिखना है। पहले देखना है, पहचानना है और उसके बाद उसका नाम व लक्षण लिखना है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, इस प्रकार आपको तीन काव्य पंक्तियां मैंने दी हैं। इसको आप अच्छी तरीके से समझ कर करेंगे और लिखेंगे। इसी प्रकार आपको मैंने पांच अभ्यास कार्य में दिए हैं, लगभग प्रत्येक अलंकार से संबद्ध एक उदाहरण है, आपको उसको पूर्ण करना है। साथ ही आपको कुछ मैंने प्रश्न भी दिए हैं जिनको आपको एक शब्दों में ही लिखना है और इनको लिख करके निरंतर आपको अभ्यास करते रहना है। बच्चों, अलंकार काव्य का वह सौंदर्य तत्व है जिसका प्रयोग करने से भावों में बहुत स्पष्टता आती है, इसलिए काव्य रचना में इसका बहुत महत्व और उपयोग है। तो आप भी अपने पाठ्यक्रम में जितने भी अलंकार हैं उनका पूरी तरीके से अभ्यास करेंगे। सभी अलंकारों की परिभाषाएं याद करिएगा, क्योंकि परिभाषा याद होने से उदाहरण में को स्पष्ट करना सहज और सरल हो जाता है, क्योंकि अलंकार किसी भी काव्य रचना का सौंदर्य तत्व है, किसी भी रचना की सुंदरता को बढ़ाता है। इसलिए हमारे साहित्यकारों ने काव्य को हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित समस्त अलंकारों का आप अभ्यास करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपको अलंकार अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और निरंतर इसका आप अभ्यास करते रहिएगा। अभ्यास से ही आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।